आज हम सीखेंगे नींबू का अचार बनाना। उसके लिए मैंने 15 नींबू लिए हैं, उनको अच्छे से धो के सूखा लिए हैं, बिल्कुल साफ करके। इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट लगेंगे। मैंने गुड़ लिया है, इसे थोड़ा सा बारीक कर लिया है, मिर्ची पाउडर, काला नमक, सादा नमक, एक कटोरी नींबू का जूस लिया है, और इसमें मैंने जीरा जो है उसे मैंने दरदरा पीस लिया है। अब नींबू को काट लेंगे 4 भाग में। और इसके ऐसे बीज निकाल लेंगे। इसी तरह सारे नींबू को काट लेंगे। कटे हुए नींबू को अभी एक बाउल में ले लेंगे। इसमें पहले स्वाद अनुसार सादा नमक डालेंगे। मैंने 2 चम्मच लिए हैं। इसके बाद जीरा पाउडर जो मैंने थोड़ा दरदरा पीस लिया था, अंदाजन 2 चम्मच मिर्च पाउडर, ये भी अगर आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। मैंने 3 चम्मच डाले हैं इसमें मिर्ची पाउडर थोड़ा, और ये मैंने काला नमक लिया है। दो चम्मच क्योंकि हमने सादा नमक भी डाला है। उसके बाद ये गुड़ लिया है, ये गुड़ डाल देंगे। अगर आपको मीठा चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा, और खट्टा मीठा चाहिए तो थोड़ा कम। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने पर अब इसे मैं एक जार में भर लूँगी जो मैंने पहले से ही साफ करके रखा है अच्छे से। अब लास्ट में जार में हम नींबू का रस डाल देंगे। नींबू का अचार में जब नींबू का रस डाल देते हैं तो उसमें नींबू इतना डूब जाने चाहिए। उसके बाद जार आपका थोड़ा खाली होना ज़रूरी है ताकि जब इसे धूप में हम रखेंगे तो गुड़ और जो मेल्ट होगा तो उसमें और वो पानी बनेगा और ये इतना इतना हो जाएगा। ये नींबू का अचार बनके तैयार है। इसे 15 दिन धूप में रखना है, छत पे, टेरेस पे, कहीं पर भी, और इसे 2-2 दिन में हिलाते जाना पड़ेगा आपको, और उसके बाद ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। पंद्रह दिन धूप में रखने के बाद अब यह हमारा नींबू का अचार बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं इसके नींबू सॉफ्ट हो गए हैं और अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है।